का लगा था कि रात भर में पानी बढ़ी कि ना बढ़ी? चांस बा रात में पानी बढ़े, पानी बढ़े के चांस बाटे। ऊपर पानी बरस रहल बा तो बहुत के लागि जा रही पानी बढ़े। कब तक जाना था कि जा अलर्ट कर दिया? गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी लेकिन बड़ा खबर आ रहल बटुए। बक्सर में गंगा के जलस्तर में हो रहल बटुए बढ़ोतरी। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ रहल बाड़ी गंगा। जलस्तर 51.75 मीटर पहुँचल। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बक्सर में लगातार गंगा नदी के जलस्तर के बढ़त देख के तटवर्ती इलाका के लोग दहशत में बटुए। बीएफए के दोपहरिया में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा नदी बढ़ रहल बाड़ी, जबकि सुबह 8 बजे से दोपहरिया 12 बजे तक 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के धीमा रफ्तार से बढ़त देखल गई। दोपहरिया में अचानक बढ़ोतरी होखे से सुबह के दोपहरिया 3 बजे बक्सर में गंगा के जलस्तर 51.75 मीटर पर पहुँच गई। बक्सर में 57.59 मीटर हटुए आ खतरा के निशान 60.32 मीटर पर बनल बटुए। हालांकि गंगा अभी खतरा के निशान से काफ़ी नीचे बाड़ी, लेकिन बढ़े के का गति से तटवर्तीय लोग के धड़कन बढ़ गई बा। अगर यही तरह गंगा के बढ़े के सिलसिला जारी रहल तो खतरा के निशान छुए में देर ना लागी। मिलल जानकारी के अनुसार एक दिन पहले गंगा के बढ़े के रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा रहे। दूसरा दिन एहमे अचानक बढ़ोतरी शुरू हो गई। बढ़ाव के सिलसिला जारी रहे से तटवर्ती इलाका के रहे वाला लोग सतर्क हो गए बड़न। गंगा अभी अपना पाट में ही बह रहल बाड़ी। अभी गंगा नदी एकर सहायक थोड़ा क्रमनाशा नदी के पेटी भी नहीं खे भरल। यह प्रकार अभी ज़्यादा चिंता करे के बात नहीं खे, लेकिन किसान आ पशुपालक के उनकर पशु के चारा के चिंता सतावे लागल बा। ओये दियरांचल आ नैनी जोड़ के लोग हो रहल कटाव से भयभीत होके गंगा किनारे पहुँच के गंगा के बढ़े के रफ्तार के अंदाजा ले रहल बड़न। उनका ये खौफ सता रहल बा कि गंगा अगर ऐसे ही बढ़त रहली तो उनकर समस्या बढ़ सकता। केंद्रीय जल आयोग के कनी अभियंता प्रशांत चौरसिया बतावतानी कि 2 दिन से गंगा नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहल बा। सुख के दिने दोपहरिया से गति तेज हो गई बा। पहाड़ी क्षेत्र में भी लगातार हो रहल बारिश के कारण सुख के दिने 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार बढ़ गई बटुए। भोजपुरिया समाचार रौरा दर्शक लोग के अभी बगल में गंगा नदी के बगल में मंदिर के पुजारी के बयान भी सुनाई। रौरा सभे खबर के अंत तक बनल रही। रौरा सब के बता दी कि सबसे ज़्यादा समस्या नैनी जोड़ क्षेत्र के ढाबी गांव आ प्रबोधपुर गांव के लोग के साथे समस्या बा। काहे से कि ओजा गंगा के कटाव तेजी से हो रहल बटुए। ओजा के लोग भी प्रदर्शन कर रहल बटुए आ एने गंगा जी बढ़ियाए शुरू हो गई बाड़ी। कहीं ऐसा न मत हो कि बाढ़ के चपेट में दियरांचल इलाका आ एकरा अलावे नैनी जोड़ के इलाका आ जाओ आ सब देखते रह जाओ, सब कुछ डूब डाब के बराबर हो जाओ। भोजपुरिया समाचार रौरा दर्शक लोग के निहोरा करी कि खबर देखला के बाद शेयर जरूर करब ताकि दियरांचल आ गंगा नदी के तट के रहे वाला लोग भी खबर पहुँचे अपन सुरक्षित स्थान धो ले। सुनी बयान आ दबा के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा बैठे। सुबह में पता कर गिल 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़त रहा लिया। अभी की स्थिति का बटे जा गंगा के? वास्तव में सुबह में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार से पानी बढ़ रहा, लेकिन अब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी बढ़ रहा हुआ। कुछ मैंने पहले से बढ़े का क्षमता कुछ कम हो गई। अब वही 51.75 पानी का लेवल आ चुकल बटे। का लगत है कि रात भर में पानी बढ़ी कि ना बढ़ी? चांस बा रात में पानी बढ़े, पानी बढ़े के चांस बाटे। ऊपर पानी बरस रहल बा तो बहुत के लागि जा रही पानी बढ़े। कब तक जाना था कि जा अलर्ट कर दिया? रेड जोन मिला दिया? एक हफ्ता के अंदर आ सकेला। अभी रफ्तार से अगर चली तब जैसे उत्तराखंड से पानी लगातार होने से आ रहा बटे,
और बनारस होते हुए इलाहाबाद होते हुए पानी में लगातार बढ़ रहा बटे, सुनने में आ रहा बटे कि पानी जा जल्द ही पानी के लेवल जन बात ऊपर आ जाए। सही बात बा। नाम नाम का पड़ी बाबा? नमो नारायण पांडे, हमारा नाम पड़ी गोलाघाट मंदिर। धन्यवाद।